नमो नमः। पहले के वीडियो में हमने उच्चारण स्थानों के बारे में जाना। आप यहाँ देख सकते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। मैंने संस्कृत की पंक्तियाँ भी आपको बोली थी, यह आपको पुस्तक में मिल जाएगी। इसके बाद में हम यत्नों की बात करते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न एवं बाह्य यत्न। यत्नो द्विधा, आभ्यंतरः बाह्यश्च। आभ्यंतर यत्न भी पांच प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। ये पांच प्रकार आभ्यंतर यत्नों के हैं। कौन सा वर्ण कौन से यत्न का होता है, इसे बताने के लिए आपको पांच पंक्तियों को स्मरण रखना पड़ेगा। पहली है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट होता है। अब स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, इसके लिए कहते हैं कादयो मावसाना स्पर्श, अर्थात कैसे लेकर के मैं तक के 25 वर्ण, पांचों वर्गों के पांच पांच वर्ण, 25 वर्ण स्पर्श वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, और इन स्पर्श व्यंजनों का प्रयत्न स्पृष्ट होता है। इसके बाद में ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्ण चार होते हैं, य र ल व, इनका अभ्यंतर यत्न ईषत् स्पृष्ट होता है। ईषत् विवृतम ऊष्मणाम, अर्थात ऊष्म व्यंजनों का, चार ऊष्म व्यंजन होते हैं श श स ह, इनका आभ्यंतर यत्न ईषत् विवृत होता है। विवृतम स्वराणाम, स्वर जो होते हैं उनका आभ्यंतर यत्न विवृत होता है, और स्वर किसे कहते हैं, अच स्वराहा, अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इसके बाद में पांचवा है संवृत, संवृत के लिए संवृत जो प्रयत्न है वो ह्रस्व आकार का होता है, और ह्रस्व आकार दो प्रकार की स्थिति में होता है, एक प्रयोग अवस्था में और एक प्रक्रिया अवस्था में। तो ह्रस्व आकार का जब प्रयोग अवस्था में यत्न होगा तब तो संवृत होगा, एवं प्रक्रिया दशा में अर्थात रूप निर्माण की अवस्था में इसका यत्न स्वरों में सम्मिलित होगा, अर्थात विवृत होगा। बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। इसके लिए आपको चार पंक्तियां याद रखनी है। पहली है वर्गाणाम प्रथम द्वितीय ये आप देखिए खर वर्ण, खरह विवारा श्वासा घोषाश्च। खर वर्ण में आने वाले जो वर्ण है, खर वर्ण में वर्गों के पहले दूसरे और श श श आते हैं, तो खर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनका बाह्य यत्न विवार श्वास एवं अघोष होता है। हषहस दूसरा है, हष संवारा नाधा घोषाश्च, हष प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य यत्न संवार नाद एवं घोष होता है। तीसरा है वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा, अर्थात वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण तथा यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, इनका बाह्य यत्न अल्प प्राण होता है। चतुर्थ है वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणा, वर्गों के द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण एवं शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य यत्न महाप्राण होता है। इसके अलावा उदात्त अनुदात्त और स्वरित, सभी स्वर इसमें सम्मिलित होते हैं, ये बाह्य यत्न हैं। ये आपके वर्ण विभाग एवं विशेष संज्ञाएं बताई गई है,
अभी मैंने बताया कैसे लेकर के मेतक के 25 वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को अंतस्थ कहते हैं। शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को उष्म कहते हैं। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। क और ख से पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार अर्धविसर्ग की का जो चिन्ह लगाया जाता है वह जीवामूलीय का होता है। प और फ के सामने जब ये चिन्ह लगता है तो वो उपदमानीय कहलाते हैं। ये आपके बाह्य यत्न हैं। आप इन्हें पुस्तक में पढ़िए। कोई समस्या आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।